गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर टू थे होम टाइम ड्यूरेशन एंड कैलेंडर। उसमें आए थे हम पेज नंबर 107। एग्जांपल वन दिया है, एट 7 hours 40 minutes एंड 2 hours 8 minutes। सॉल्यूशन है उसका, वी राइट 8 minutes एट 08 minutes। अवर है, अवर में लिखो, खास ध्यान रखना है आपको, और मिनट है, मिनट में लिखो। 7 hours दिया है प्लस 2, और मिनट्स में कितना है, 40 plus 8, कितने हुए 48, और 7 plus 2 यानी 9। क्या आंसर आया, 9 hours 48 minutes। ऐसे एग्जांपल 2 आपको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। अब थर्ड देखेंगे, सबट्रैक 5 hours 33 minutes फ्रॉम 10 hours 8 minutes, बोरो 1 hour = 60 minutes। तो हम पहले क्या करें, आवर्स और मिनट लिखेंगे, फिर 10 और 8, फिर 5 और 33। ध्यान रखना है आपको, बड़ी है जो 10 है, बड़ा है वो ऊपर लिखना है माइनस सबट्रैक में, फिर उसका स्मॉल के साथ माइनस करना है। फिर आवर्स और मिनट आए, 9 hours 68 minutes और 5 hours 33 minutes। उसके साथ फिर से माइनस करना है जो आंसर आता है, फिर 5 hours के साथ फिर से उसका माइनस किया तो क्या आंसर आया, 4 hours 35 minutes। ये ध्यान रखना है आपको, ये एक्सरसाइज 2.4 है वो जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आज आपको कंप्लीट करनी है। अब ये ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी है। एग्जांपल 1 है, ए बस लेफ्ट दिल्ली 3:40 PM एंड रीच गुरुग्राम एट 4:35 PM। हाउ मच टाइम डिड द बस टेक टू रीच गुरुग्राम फ्रॉम दिल्ली। उसका सॉल्यूशन है, ड्यूरेशन फ्रॉम 3:40 PM टू 4:35 PM प्लस करना है उसका, तो क्या आंसर आएगा, 20 minutes + 35 minutes = 55 minutes। ऐसे एग्जांपल 2 आपको कंप्लीट करना है। अब ए फाइंडिंग आउट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी है। एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करना है आपको। ये मंथ दिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, ये आपको 2.5 कंप्लीट करना है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अब पेज नंबर 110 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।